हेलो एवरीवन, दिनेश शर्मा इज वंस अगेन हियर विद यू इन फिजिक्स की बात। आज हम करेंगे कि जब भी एक चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जाता है विद सम वेलोसिटी वी, व्हाट इज इट्स पाथ, इसका ट्रेजेक्टरी क्या होगा जिसकी बात होगी। सो लेट अस होप फॉर अ वेरी इंटरेस्टिंग डिस्कशन हेयर, मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। आप जानते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड माने जिसका वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। वी कैन असाइन सम फिक्स्ड वैल्यू टू दैट। जैसे मैं कहता हूं कि कोई मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए 10⁻⁶ टेस्ला, दैट मीन दिस वैल्यू इज यूनिफॉर्म। व्हाई यूनिफॉर्म? बिकॉज आई कैन असाइन सम वैल्यू टू इट। और मैग्नेटिक फील्ड है तो कहीं डायरेक्शन भी होगा। हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, क्रॉस से शो कर रहे हैं। इफ इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू, इसको हम डॉट से शो कर लेंगे। आपने पहले सारी बातें पढ़ी हैं ये कि मैग्नेटिक फील्ड को कैसे शो किया जाता है, इसका सिंबल बी होता है। आज आगे बात शुरू करते हैं। तो हमारे इस सिनेरियो में मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, और यदि इस मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज पार्टिकल लाया जाता है, दिस इज ए चार्ज पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी वी, व्हाट विल हैपन? बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो पहले तो हम इस स्टोरी के मेन मेन पॉइंट्स को मन में बिठाने की कोशिश करेंगे, और बाद में देखेंगे कि यदि हम रियल टाइम सिचुएशन के हिसाब से कुछ चार्जेस को इस फील्ड में इंट्रोड्यूस करें तो उनका पाथ क्या होने वाला है। लेट अस से दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस वैल्यू इज बी, एंड लेट दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स वेलोसिटी, दैट मीन चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द प्लेन ऑफ पेपर एंड द चार्ज पार्टिकल इज अलोंग दिस प्लेन ऑफ द पेपर ऑफ दिस बोर्ड, दैट मीन्स हम क्या कहें, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी। कैन यू एग्री? वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू बी, दैट मीन चार्ज पार्टिकल इज गोइंग लाइक दिस। अदर पॉसिबिलिटीज कैन बी कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग लाइक दिस, राइट? दैट मीन नाउ दिस चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन, हियर आल्सो वेलोसिटी इज अलोंग द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू दिस, हियर आल्सो वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अदर ऑप्शन कैन बी चार्ज पार्टिकल इज आल्सो मूविंग इन टू द प्लेन ऑफ पेपर, or it is coming out of the plane of paper, that means it may be parallel, it may be anti-parallel. In that case, velocity is parallel to magnetic field or it is anti-parallel. And one more case can be there, that charged particle is moving along this line, this is velocity, which is neither along x-axis nor y-axis, that means this is making some angle with the horizontal, let this angle is theta. So yahan bhi kuch interesting case dekhne ko milega. To aaj hum bari bari se in sabhi points ko डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, क्या उसके ऊपर फोर्स लगता है या नहीं लगता है। हमने पहले कहा था कि फोर्स लगने के लिए कंडीशन क्या थी, कि द पार्टिकल शुड नॉट मूव पैरेलल टू और एंटी पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब तो फोर्स नहीं लगता है। लेकिन मान लेते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन टू प्लेन ऑफ पेपर, एंड इन दिस मैग्नेटिक फील्ड सम पॉजिटिव चार्ज इज देयर and it is moving along this line. अब देखिए, हमने Fleming's left hand rule से कहा था force लगता है, और कितना force लगता है, F was equal to Q and this is V cross B. पहले पढ़े थे इस बात को, force on a charge which is moving in the magnetic field, so F Q V cross B, और इस force का direction V cross B के perpendicular होता है। जिस plane में V और B होंगे ना, उसके perpendicular होगा। मान लीजिए हमारे इस केस में B कहाँ पे है, into, और वेलोसिटी कहां को है, ऊपर को। मान लीजिए चार्ज पार्टिकल इज मूविंग अलोंग दिस लाइन व्हिच इज अलोंग दिस बोर्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू प्लेन ऑफ पेपर, सो माय हैंड दिस माय पाम इज शोइंग प्लेन व्हिच कंटेन्स वी एंड बी, इज इट? सो मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू वी क्रॉस बी, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, या तो यहां पर होगी या फिर यहां पर होगी। चार्ज पॉजिटिव होगा, देखिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से या राइट हैंड पाम रूल से, ये इस तरफ को फोर्स होगी, और यदि ये चार्ज नेगेटिव होता तो फोर्स इस तरफ को होनी थी इस केस के लिए। सो दैट मीन दिस इज द फोर्स एंड इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा। ये बातें आप जानते हैं पहले से ही। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल कभी भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करेगा, उसके ऊपर फोर्स लगेगी, राइट? और ये फोर्स कब नहीं लगेगी, एफ जीरो कब होगा, डिफरेंट केस हो सकते हैं। साइन थीटा जीरो हो जाएगा, बी ही जीरो हो, वेलोसिटी जीरो हो, चार्ज ही जीरो हो, इन दैट केस फोर्स विल बी जीरो। बट दिस इज द जनरल फॉर्मूला व्हिच गवर्न्स दिस फोर्स व्हिच विल बी एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। अब बारी बारी से डिफरेंट केसेस लेते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू दैट लेट अस ट्राई टू फाइंड दैट व्हाट इज द पाथ ऑफ द पार्टिकल
which is entering into magnetic field. Generally, there are three possibilities. हम बात शुरू करेंगे पहली possibility से, and of case number one, first possibility is that when theta is equal to 0 degree or it is equal to 180 degree. That means charged particle is also moving into the plane of paper or it is coming out of plane of paper. या फिर for the sake of simplicity, इसको छोड़िए, आप एक अलग से diagram बनाइए कि this is the magnetic field. Right, and the charged particle is moving along this line. In some other case, this is the direction of magnetic field, and the charged particle is moving along this line. Here theta is 0 degree, and here theta is 180 degree. In both the cases, what is F? F will be equal to qvv sine of theta. Sine 0 is 0. That means no force acts on this charged particle. That means if such thing happens, that charged particle is going undeviated. Nobody stops it. ये जैसे है वैसे ही चलता रहेगा, right? तो along the magnetic field, charged particle जिस velocity से चल रहा था initially, उसी से चलता रहेगा, because no force acts on it. I hope this is clear. बात करते हैं case number two की. Case number two is very interesting. In fact, case number two is that when velocity vector is perpendicular to magnetic field vector. Now in this diagram, the magnetic field is into the plane of this board. And the velocity has to be perpendicular. तो मान लेते हैं कि velocity का direction ये हुआ, right? At any time. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने यहाँ से इस speed से इसको project किया. मैं कह रहा हूँ at any time, let the velocity is along this line. So what is the probable path of this charged particle? ये कहाँ को जाएगा? तो मान लीजिए कि magnetic field हम थोड़ा सा एक infinite area पे लेते हैं. Right? That means इसकी restriction नहीं ले रहे फिलहाल, इसका कोई एक limited boundary नहीं है कि इसके बाहर field नहीं है. हम ये मान रहे हैं कि सारे region में there is uniform magnetic field B. Okay, so what is going to happen? तो यहाँ पे apply करते हैं Fleming's left hand rule को. So as per Fleming's left hand rule, this is F, B and I force. This is the force if magnetic field is here and the direction of the positive charge is along this line, F, B, I. Right? This is direction of positive charge. Magnetic field. So set your fingers. So this finger is going along the magnetic field, and this finger has to be along the direction of positive charge. So this goes in this direction. Obviously, thumb is towards this. So force on this charged particle is towards left. This is the direction of force. This force is constantly pulling this particle towards it. So ये तो centripetal force वाला case ही हो गया. और आप सही सोच रहे हैं कि this particle will move along some circular track. Its trajectory will be circular, right? और इसका जो सेंटर होगा उसकी तरफ ये पार्टिकल हर तरफ खिंच रहा होगा, एंड हियर दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपेटल फोर्स. तो इस चार्ज पार्टिकल को सर्कल के अलोंग चलाने के लिए कौन हुआ जिम्मेवार? दिस मैग्नेटिक फोर्स. तो क्या मैग्नेटिक फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स का दर्जा दिया जाए? यस, वी कैन से मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग एज सेंट्रीपेटल फोर्स. कैन यू गेट इट? और इस फोर्स की डायरेक्शन के लिए हमने एक निमोनिक भी लिया था, राइट हैंड पाम रूल, और उसमें हमने कहा था कि मैग्नेटिक फील्ड को अलोंग द फिंगर सेट कर लीजिए, एंड थंब इज अलोंग द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल. तो जहां को हमारा ये पाम पॉइंट कर रहा है, जिस तरफ आपका ओपन हैंड है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स. और यदि इस तरह से होता, दैट मीन मैग्नेटिक फील्ड वॉज वंस अगेन इन टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड एंड द चार्ज पार्टिकल वॉज मूविंग डाउनवर्ड्स. In that case, this was the direction of force. तो इस पे धक्का ऐसे लगता और ये सर्कल ऐसे घूम के यहाँ पे बना था. तो आइए यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स करते हैं. Here the magnetic force, he responsible है इसको सर्कल में घुमाने के लिए, चार्ज पार्टिकल को. लेकिन चार्ज पार्टिकल क्या हमेशा सर्कल में ही घूमेगा, या आधा सर्कल बनाएगा, या क्वार्टर सर्कल बनाएगा, या उससे भी कम बनाएगा? वो डिपेंड करता है डिफरेंट केसेस के ऊपर. बात बाद में होगी उसकी. फिलहाल मोटी सी बात कि जिस सर्कल में घूमा उसका रेडियस आर मान लेते हैं. हम अभी उस रेडियस की बात करने जा रहे हैं. सो व्हाट इज रेडियस ऑफ दैट सर्कल? रेडियस ऑफ सर्कल, राइट, व्हिच इज नाउ गोइंग टू बी पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, रेडियस कितना होगा? व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? यू नो इट वेल, दिस इज क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा. यहाँ पे थीटा 90 है. किसके बीच में? वेलोसिटी और फोर्स के बीच में? नहीं, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में. क्या रिलेशन था? F was equal to Q, V cross B था ना यहाँ पे. That mean velocity और magnetic field के बीच का angle 90 है. मैंने यहाँ पर sine 90 नहीं लिखा, 1 लिख के बात छोड़ दिया. This is QVB. तो magnetic force is QVB, maximum force. And what is centripetal force? This is MV square divided by R. So what is R? R कितना हुआ? तो देखो, एक V से ये V कटा,
आर को ऊपर ले जाइए, तो यहाँ क्या रहेगा, दिस इज एम वी डिवाइडेड बाय क्यू बी. सो वेरी सिग्निफिकेंट रिलेशन फॉर द रेडियस ऑफ दिस पाथ विच इज फॉलोड बाय दिस चार्ज पार्टिकल. किसी और ढंग से लिखें तो आर विल बी इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय क्यू बी. व्हाट इज पी? पी इज मोमेंटम ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल. मास भी दिया होगा, वेलोसिटी भी दिया होगा. वी कैन राइट वैल्यू ऑफ पी. एंड वी ऑल्सो नो फ्रॉम क्लास 11 दैट पी स्क्वेयर बाई 2 m इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. पढ़े थे हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन. तो पी कितना हुआ, दिस इज 2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी रूट. यदि हमें कहीं पर काइनेटिक एनर्जी का जिक्र किया हो तो वी कैन राइट आर इज इक्वल टू दिस इज 2 m इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाई क्यू बी. और यदि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल को अप्लाई करके आई हो तो वी कैन ऑल्सो राइट दिस के इज इक्वल टू वी क्यू. सो वी कैन राइट द सेम रिलेशन एज आर इज इक्वल टू 2 इंटू m. एंड इंस्टेड ऑफ के आप यहाँ लिख दीजिए वी इंटू क्यू से अप्लाई करते हैं. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग रेडियस ऑफ दैट पाथ ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल. लेकिन यहां पर एक और क्वांटिटी की बात होगी, चार्ज टू मास रेशियो. सो व्हेन यू डिवाइड चार्ज बाय मास क्यू बाय एम, दिस इज अनदर वेरी सिग्निफिकेंट रेशियो व्हिच इज कॉल्ड चार्ज टू मास रेशियो. फॉर इलेक्ट्रॉन इट कैन बी ई बाई एम, राइट. इसका अपना सिग्निफिकेंस है, इसकी बात बाद में करेंगे. लेकिन यदि इन रिलेशंस को हम चार्ज बाई मास की टर्म में भी लिखें तो रिलेशन क्या बन जाएंगे, आर विल बी इक्वल टू, तो एम को नीचे ले आइए तो क्यू डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा ना. दैट इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय क्यू बाई एम इन टू बी. इज इट कैन राइट लाइक दिस, आर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऊपर रहा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड एंड इस एम को हम नीचे लाएंगे. ऑब्वियसली सेम थिंग है ये. सो आर इज इक्वल टू वेलोसिटी बाई मैग्नेटिक फील्ड और साथ में हम यहाँ पे चार्ज टू मास रेशियो लिख रहे हैं. सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग रेडियस. अभी हम बात करेंगे एंगुलर स्पीड की, कि व्हेन दिस चार्ज पार्टिकल वाज मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ, तो उस पाथ पर जब जा रहा था ये पार्टिकल उसका एंगुलर स्पीड कितना था. सो यू नो वी इज इक्वल टू आर ओमेगा. सो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर. वैल्यूज पता है, पुट करिए. वेलोसिटी तो वेलोसिटी ही है, आर का वैल्यू पता है आपको, दिस इज मोमेंटम डिवाइडेड बाय क्यू बी अभी पढ़े थे. सो दिस वी गेट्स कैंसल्ड एंड ओमेगा इज इक्वल टू क्यू बी डिवाइडेड बाय एम. सो दिस इज एंगुलर स्पीड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल व्हिच इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. एंड व्हाट यू कैन से अबाउट टाइम पीरियड? टाइम पीरियड क्या हुआ, हाउ मच टाइम इज टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन? दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो लेंथ ऑफ दिस पाथ मीन सर्कमफ्रेंस, दिस इज 2 पाई आर divided by what is the velocity along this path, so 2 pi r by v. Agree? Time is equal to distance by speed, so this is 2 pi. And what is r? R हम अभी पढ़े, this is mv divided by qb and divided by this is v, so v gets cancelled and time period is equal to 2 pi m divided by bq or qv. So this is the time period of this charged particle along this circular path. और यदि आप इस टाइम पीरियड को ओमेगा से फाइंड करना चाहते हैं तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी. सो व्हाट इज टी? टी इज 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा. सो टी कम्स आउट टू बी 2 पाई बाई ओमेगा. एंड व्हाट इज ओमेगा? दिस इज क्यू बी बाई एम. सो व्हाट वी कैन सी, ऑल द रिलेशन आर अलाइक. सो टाइम पीरियड ये हो गया. एंड फाइनली व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इन दिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? सो न्यू इज इक्वल टू 1 बाई टी. राइट, वेल 1 by t. And t was, हमने अभी किया, t was 2 pi m divided by qb. So that means f is equal to, or nu is equal to qb divided by 2 pi m. Is it? And in terms of charge to mass ratio, frequency hua, this is q by m, charge to mass ratio into b, मैं इसे m को ऊपर ले गया, divided by 2 pi. So this is the formula for the frequency. अब कौन सी quantity किस पे depend कर रही है और किस पे depend नहीं कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड को डबल करने से फ्रीक्वेंसी पे क्या फर्क पड़ेगा, या फिर फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही है, रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रही है, इन बातों के मतलब क्या हैं? जब आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो इन बातों को जरूर सोचने की, एनालाइज करने की कोशिश करिएगा. एंड दिस फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी. साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मीन द फ्रीक्वेंसी इन द सेम रेफरेंस व्हेन अप्लाइड इन द साइक्लोट्रॉन. हालांकि इस साल इस टॉपिक को सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट किया है सिलेबस में से, लेकिन फिर भी हम इसकी बात करेंगे.
हल्की सी बात इसकी जब इसका जिक्र आएगा तो वहां जरूर होगी। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग मैथमेटिक्स ऑफ द स्टार्स पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसका रेडियस कितना होगा पाथ का, इसका एंगुलर स्पीड कितना होगा, व्हाट इज द टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, ये सारी बातें हमने डिफरेंट तरह से की। क्वेश्चंस आएंगे तो आपको वहां पर और ज्यादा समझने का मौका मिलेगा। और अब लेते हैं थर्ड केस। केस नंबर थर्ड इज वेरी इंटरेस्टिंग। पहला केस लिया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग थी वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल या एंटी पैरेलल थी। दूसरे केस में हमने क्या कहा कि ये परपेंडिकुलर थी वेलोसिटी। और तीसरा केस लेने जा रहे हैं तो केस नंबर थर्ड इज कि अब यहां पे मान लेते हैं कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज पॉइंटिंग इन टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड। और इस बोर्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उस मैग्नेटिक फील्ड के बीच हमने कोई चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया और वो इस तरह से किया प्रोजेक्ट कि उसका कुछ डायरेक्शन इस तरह से है, दैट मीन दिस इज द वेलोसिटी। तो अब जरा इस सिचुएशन को समझने की कोशिश करते हैं कि असल में है क्या ये। क्या ये ऐसा है कि दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये इसका जो ब्लू साइड है दिस इज पॉइंटिंग इन टू प्लेन ऑफ पेपर, तो ये पेन शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। क्या अब वेलोसिटी ऐसे है, ये भी तो परपेंडिकुलर ही है, यहीं रख लीजिए, दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, तो इसकी बात नहीं हो रही है। तो डायग्राम में तो ये ऐसे ही दिखेगा लेकिन असल में दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। पहले केस में हमने कहा था कि चार्ज पार्टिकल ऐसे था, नो फोर्स एक्ट्स ऑन दिस, इट गोज अनडेविएटेड। इफ इट इज गोइंग अलोंग दिस लाइन इट ऑल्सो गोज अनडेविएटेड, दिस इज कोलिनियर विद द मैग्नेटिक फील्ड। एंड सेकेंड केस में हमने कहा कि वेलोसिटी वेक्टर ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। तो वी का और बी का प्लेन कोई भी हो सकता है, यहां पर ये प्लेन है, इधर हो जाएगा, प्लेन चेंज हो गया, यहां हो गया, प्लेन चेंज हो गया, यहां हो गया, प्लेन चेंज हो गया। क्या देख रहे हैं आप, क्या इन सभी में वेलोसिटी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है? बिल्कुल है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं फिर? हम बात करने वाले हैं कि व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर इज नीदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो केस नंबर थर्ड क्या हुआ, दैट व्हेन वेलोसिटी वेक्टर इज नीदर पैरेलल, पैरेलल और एंटी पैरेलल को मैं लिख रहा हूं पैरेलल, सो व्हेन वी इज नीदर पैरेलल नॉर इट इज परपेंडिकुलर, नॉर इट इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो उस केस में क्या होने वाला है? सो दिस इज द केस, राइट? सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड योर वेलोसिटी इज अलोंग दिस लाइन। हमें क्या करना है, ये वेलोसिटी विद हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रही है, इस वेलोसिटी को रिजॉल्व करिए। इफ दिस एंगल इज थीटा, सो दिस इज वी कॉस थीटा एंड दिस इज वी साइन थीटा। तो इस वेलोसिटी के दो बने कॉम्पोनेंट, एक हुआ ये वी कॉस थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग है, तो वी कॉस थीटा माने कि चार्ज पार्टिकल यदि यहां को आ रहा है तो वैसे ही चलता रहेगा, यानी दिस चार्ज पार्टिकल विल गो अलोंग दिस लाइन ड्यू टू दिस कॉम्पोनेंट। कौन सा कॉम्पोनेंट, वी का कौन सा कॉम्पोनेंट, वी कॉस थीटा। सो वी कॉस थीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग दिस चार्ज पार्टिकल इन दिस लाइन, इज इट? और ये हुआ वी साइन थीटा। वी साइन थीटा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये घुमाएगा सर्कल में, तो ये वाला पार्ट घुमाएगा सर्कल में और ये वाला पार्ट ले जाएगा लीनियर, तो ये कुछ ऐसा हेलिकल पाथ, ऐसा या फिर ऐसा हेलिकल, जैसे स्लिंग की होती है ना, कुछ वैसा ही पाथ यहां बनने वाला है। और केस ये क्या हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है या फिर मैग्नेटिक फील्ड यहां कह लीजिए आप, एंड दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। इन दैट केस अगेन सेम थिंग, वेलोसिटी वेक्टर तो रिजॉल्व कर लीजिए, दिस इज वी कॉस थीटा एंड दिस इज वी साइन थीटा। आप ऐसे कह लीजिए, आप ऐसे कह लीजिए, कैसे भी कह लीजिए, राइट? बट ये ऐसे नहीं होगा, तो यहां पर इंक्लाइंड है, वेलोसिटी वेक्टर इज इंक्लाइंड, वेलोसिटी वेक्टर इज इंक्लाइंड टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले तो आप क्या करेंगे, यहां पर एक वेलोसिटी वेक्टर बना लेंगे और मान लेते हैं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको रिजॉल्व कर लेंगे दो कंपोनेंट में, ये हुआ इसका कौन सा कंपोनेंट, दिस इज वी व्हिच इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वी पैरेलल, ऑब्वियसली ये वी कॉस थीटा है, यू नो इट वेल। और ये हुआ कौन सा कॉम्पोनेंट, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, दिस इज वी परपेंडिकुलर, राइट? तो ये हुआ v perpendicular which is of course equal to v sine of theta, तो v sine theta is perpendicular to magnetic field। तो let us explain कि चीजें कैसे हो रही हैं। यहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माना है टुवर्ड्स द साइड, लेकिन यहां पर तो into था तो इसको छोड़ते हैं क्योंकि हमने इसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया, हम इस तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। cos थीटा और sin थीटा तभी है जब ये एंगल थीटा होगा, लिखना भूल गए थे ये, दिस एंगल इज थीटा, दिस इज v cos थीटा एंड दिस इज v sin थीटा।
अब देखिए कि क्या होने वाला है। सो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड पाम रूल का यूज करते हुए द मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग दिस फिंगर्स एंड हियर वेलोसिटी इज अपवर्ड। कौन सी वेलोसिटी? जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो अपवर्ड है, तो फोर्स लगा इधर को, दैट मीन ये पार्टिकल ऐसे घूमेगा। सो ये पार्टिकल ऐसे घूमना शुरू कर देगा यहाँ पर, राइट, एज ए सर्कल इस तरह से। लेकिन साथ में ये वी पैरेलल कंपोनेंट इसको आगे भी खींचेगा, तो ऐसे घूमेगा लेकिन थोड़ा इसको आगे खींचेगा, फिर आगे खींच रहा है आगे, क्योंकि ये वाला वेलोसिटी लगातार काम कर रहा है, ये पार्टिकल को हमेशा आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। यदि ये वाला वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं होता फिर तो पार्टिकल यही घूमता रहता इसी के अलावा, लेकिन इसके होने से क्या हो रहा है, ये थोड़ा थोड़ा आगे जा रहा है, ये दैट मीन दिस पॉजिटिव चार्ज दिस विल स्टार्ट मूविंग अलोंग वन हेलिकल पाथ, और ये पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग आगे चलना शुरू कर देगा। आप यहाँ पे डायरेक्शन शो शुरू करिएगा इसकी कि दिस इज मूविंग अलोंग दिस लाइन, इज इट, सो दिस इज हेलिकल पाथ। तो हेलिकल पाथ क्यों बना? तो हेलिकल पाथ में लेंथ के अलोंग यानी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो वेलोसिटी कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है वो है वी कॉस थीटा और वी पैरेलल कंपोनेंट, और जो इसको सर्कल में घुमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है वी साइन थीटा। दिस इज हाउ वन हेलिकल पाथ, हेलिक्स होता है ना, तो वहीं से बना हेलिकल पाथ ये बन जाता है। सो दिस इज व्हेन द वेलोसिटी वेक्टर इज इंक्लाइन टू मैग्नेटिक फील्ड एंड हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस हेलिकल पाथ, वो दिस कॉम्पोनेंट्स, और ये कहां से आए, इस वेलोसिटी से। एक और टर्म यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे एंड दैट टर्म इज पिच। पिच क्या होती है? फिर से मानिए कि वी पैरेलल कंपोनेंट नहीं था, तो मानो ये सेंटर है, पूरा चक्कर काटने के बाद फिर से पार्टिकल यहाँ पे आता, लेकिन क्योंकि ये भी है तो थोड़ा सा ये आगे जा रहा है, राइट, दैट मींस अदरवाइज यदि वी पैरेलल नहीं होता तो ये यहीं से घूम के फिर यहीं पे आता, लेकिन ये आगे चला गया, एक चक्कर काटने में इसने लीनियर डिस्टेंस कितना कवर किया। तो स्क्रू होता है ना, तो स्क्रू के दो थ्रेड्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है, दैट द लीनियर डिस्टेंस कवर्ड बाय दिस टिप इन वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ दिस स्क्रू, सेम थिंग इज हियर आल्सो, एक पूरा चक्कर काटने में कितना लीनियर डिस्टेंस कवर किया इस हेलिक्स ने, सो दैट इज कॉल्ड इट्स पिच। इसको पी से लिखें, और ये पी कितना होगा, व्हाट यू कैन से, व्हाट इज दिस पिच, पिच मीन है क्या, ये लीनियर डिस्टेंस ही तो है, तो डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, कितना वेलोसिटी है इस तरफ, इज इट वी पैरेलल और वी परपेंडिकुलर, इस तरफ इट इज वी पैरेलल, एंड हाउ मच टाइम इज टेकन बाय दिस पार्टिकल टू कम बैक हियर, वन कंप्लीट सर्कल दैट मीन टाइम पीरियड, तो इनटू टी लिख दिया जाए, एंड दिस इज वी पैरेलल इनटू टी, टी है 2 पाई एम डिवाइडेड बाय क्यू बी, एंड वी पैरेलल क्या हो, दिस इज वी कॉस थीटा, सो शुड आई राइट लाइक दिस दैट पिच इज इक्वल टू, पिच इज इक्वल टू 2 पाई एम, दिस इज वी कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, एंड इन दिस केस जो हेलिक्स है उसका रेडियस कितना होगा, व्हाट इज रेडियस ऑफ दिस हेलिक्स, क्या ये सेम फॉर्मूला होगा या थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा, क्यों, पहले क्या पढ़ा था हमने, रेडियस इज इक्वल टू मोमेंटम दैट इज एम वी डिवाइडेड बाय क्यू वी, अब यहां पर वेलोसिटी वी तो ये वाली है ना, तो यहां पे दैट वेलोसिटी व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सर्कुलर पाथ दैट इज इक्वल टू वी साइन थीटा, दिस इज एम एंड दिस इज नॉट वी, दिस इज वी परपेंडिकुलर बाय क्यू बी, इज इट, छोटा सा एक यहाँ टर्निंग पॉइंट था, बाकी सारा सेम ही है, सो एम वी साइन थीटा डिवाइडेड बाय क्यू बी, सो दिस इज रेडियस ऑफ दिस हेलिक्स, तो हेलिक्स में दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज इट्स रेडियस एंड व्हाट इज पिच, बहुत सारे कंक्लूजन यहाँ से और भी निकलेंगे कि जब पार्टिकल हैवी होगा लाइट होगा तो वहां पे क्या क्या होने वाला है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं और वहां से इस कॉन्सेप्ट को जरा फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करते हैं, आगे बढ़े। Now this is a very interesting question. हमारे पास एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है और अल्फा पार्टिकल है एंड दे आर मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, राइट, और उनके पाथ है सर्कुलर, दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एंड दे आर मूविंग इन सर्कुलर ट्रैजेक्टरी इन बी, यानी मैग्नेटिक फील्ड मान लो इन टू प्लेन ऑफ पेपर है, इस तरह से ही जैसे पहले बात की हमने, दिस इज बींग इन टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, और यहाँ तीन पार्टिकल हैं, ऑब्वियसली सभी के रेडियस तो बराबर नहीं होंगे, ये बराबर हो भी सकते हैं बड़ी बात नहीं कोई, लेकिन उनके रेडियस को कंपेयर करना है, कि मान लो ये छोटा रेडियस है ये किसका है, या कोई और पार्टिकल कहीं है थोड़ा बड़ा रेडियस बना रहा है, बड़ा सर्कल है या कोई बिल्कुल छोटा है, तो किस पार्टिकल का रेडियस कौन सा है, हमने ये सारी बातें कंपेयर करनी है। यहाँ पे पार्टिकल्स आर हैविंग सेम एनर्जीज एंड दे आर मूविंग इन सर्कुलर पाथ, तो रेडियस का फॉर्मूला हुआ आर इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। अब यहां पर वेलोसिटी की बात की है, मास की है, बात किसकी हो रही है,
दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, एम बी इज मोमेंटम, सो आर इज इक्वल टू पी वाई क्यू बी, एंड पी होता है 2m के रूट, अभी पढ़े थे, दिस इज 2m के, k इज काइनेटिक एनर्जी बाय क्यू बी, ये बना हमारा रिलेशन, क्योंकि जो पैरामीटर दिया है हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया। k इज कॉन्स्टेंट, 2 भी कॉन्स्टेंट है, और चार्ज उनका नहीं है कॉन्स्टेंट, ये तो वेरी करेगा, सबका अपना अपना चार्ज होगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड भी कॉन्स्टेंट है इस केस में, यूनिफॉर्म है ये, सो आर इज प्रोपोर्शनल टू सिर्फ m रह जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्यू रहेगा, बट एम रूट के साथ है, एम रूट डिवाइडेड बाय क्यू, तो दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन हियर। इसके हिसाब से आप सभी पार्टिकल्स के लिए बात कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है तो ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बल्कि प्रोपोर्शनल वैल्यूज ही दे रहा है, रेशियो में ही दे रहा है वैल्यू, तो लेट मी राइट आर पी इज टू आर डी इज टू आर अल्फा, क्योंकि जो पार्ट कॉन्स्टेंट है वो सारे कट जाएंगे, तो ये रेशियो में ही आएगा आंसर हमारा। वॉट इज आर पी, RP is m root by q, तो ये हुआ 1 root proton के लिए, charge भी 1 is 2, obviously 1 हो गया ये, आगे चलते हैं for deuteron, second particle कौन सा deuteron है, mass, mass is 2 root divided by what is charge, ये भी hydrogen का ही एक isotope है, 1 हुआ तो ये root 2 हो गया, is 2 alpha particle का mass वह 4, तो 4 root divided by, and this is charge is again 2, so 2 ये हो गया, root 4 is 2 to 1 हो गया, तो conclusion क्या हुआ कि proton का और alpha particle का radius तो बनेगा same, proton and alpha particle they have same radius and their radius is less than this, क्योंकि ये वाला इन दोनों का 1.41 times है ना, तो deuteron जो होगा इसका radius ज्यादा होगा, तो ये दोनों बने बराबर और ये हुआ ज्यादा, is it clear? So this is how we can compare when kinetic energy was given to be same. एक और बात जरा यहीं पर मुझे याद आ रही है, उसको साथ में ऐड करेंगे आप, कि जब भी किसी मैग्नेटिक फील्ड में एक पार्टिकल को आपने वेलोसिटी दिया इस तरह से v, राइट, और एक और पार्टिकल है आइडेंटिकल पार्टिकल, उसको भी देते हैं वेलोसिटी, आप मान लो किसी लेटर पॉइंट पे इसी जगह पे, दिस इज v1 कह लो, इसको v2 कह लो, डिफरेंट वेलोसिटीज हैं ये, एंड मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे यूनिफॉर्म है पॉइंटिंग इन टू द प्लेन ऑफ दिस बोर्ड, तो प्रश्न ये है कि क्या ये दोनों पार्टिकल मूव करेंगे सर्कल में, ऑब्वियसली करेंगे, यदि इस मैग्नेटिक फील्ड के रिस्ट्रिक्शन नहीं है बाउंड्री की, तो सर्कल में मूव करेंगे, तो ये वाला पार्टिकल कुछ इस तरह सर्कल बना के वापिस आएगा, और ये वाला पार्टिकल जो ज्यादा वेलोसिटी से है वो बड़ा सर्कल बना के वापिस आएगा, क्वेश्चन इज क्या इन दोनों का टाइम पीरियड सेम होगा या डिफरेंट होगा, तो आपने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या पढ़ा, 2 पाई एम डिवाइडेड बाय बी क्यू, यानी टाइम पीरियड जो होता है उसमें कहीं पर भी वेलोसिटी का जिक्र नहीं है, किसका रेडियस कम या फिर किसका रेडियस ज्यादा, ये मान लो R1 है ये R2 है, उसका जिक्र भी नहीं है यहाँ पर, दैट मीन 2 पाई तो दोनों में सेम होगा, मास आइडेंटिकल पार्टिकल कहा, मास भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, आइडेंटिकल पार्टिकल का चार्ज भी सेम है, दैट मीन बोथ द पार्टिकल्स they will come to the starting point simultaneously. एक ही time पे पहुंचेंगे, क्यों? Because they are having the same time period. इनका time period same होगा, frequency भी same होगा. तो अब क्या देख रहे हैं कि velocity के बढ़ाने से, radius के बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है. ज्यादा velocity होगी तो बड़ा radius बना के particle पहुंच जाएगा, और छोटी velocity होगी तो छोटा सा radius, छोटा सा circle वाला एक path बनेगा. Is it clear?